एकदम सॉफ्ट है और ऑयल भी बहुत कम है। सिर्फ भुट्टे और गेहूं के आटे से बनी ये हेल्दी रेसिपी अगर आपको पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और बच्चों के टिफिन के लिए भी यह रेसिपी एकदम हेल्दी रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने लिया है एक कटोरी गेहूं का आटा और एक भुट्टा। सिर्फ दो ही चीज़ों से हम इस रेसिपी को बनाएंगे। इसमें हमें ना ही कोई सूजी मिलाना है और ना ही कोई मैदा। तो अब हम लेंगे एक बर्तन और सबसे पहले हम इसमें डाल देते हैं एक कटोरी गेहूं का आटा। और सबसे अच्छी बात है कि इस नाश्ते में हमें ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही कम ऑयल में हमारा ये नाश्ता बनकर तैयार होगा। तो अब आटे में मिला लेंगे हम नमक स्वाद के अनुसार। आधी छोटी चम्मच हम इसमें दरदरी की हुई सौंफ डाल देंगे। मेरे पास चम्मच छोटी है इसलिए मैं पूरी चम्मच ले रही हूँ। और आधी छोटी चम्मच जीरा डाल देंगे और आधी छोटी चम्मच अजवाइन जिसे मैंने पहले ही क्रश कर लिया था। आधी छोटी चम्मच काली मिर्च का पाउडर डाल देंगे। इससे नाश्ते में फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आएगा। और दो पिंच के बराबर हम इसमें हल्दी पाउडर डाल देंगे और स्वाद के अनुसार लाल मिर्च का पाउडर भी डाल देंगे। अगर बच्चे पसंद नहीं करते हैं तो आप मिर्ची कम ही डालें। और उसमें हम थोड़ी सी कस्तूरी मेथी डाल देंगे जिससे कि फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आएगा, लेकिन ज़्यादा ना डाल दें नहीं तो नाश्ता आपका कड़वा लगेगा। और दो पिंच के लगभग हम इसमें हींग डाल देते हैं। हींग डाइजेस्ट रहती है और साथ में खाना भी जल्दी पच जाता है। तो अभी हम इस मिक्सर को अलग रख देंगे और हम लेंगे फिर से एक बर्तन और एक भुट्टा जो हमने रखा है। और ये भुट्टा ताज़ा है और अमेरिकन भुट्टा लिया है मैंने। आप कोई सा भी ले सकते हैं लेकिन ताज़ा होना चाहिए। और इसे किसनी से इस तरह से किस लेंगे। और वैसे भी बारिश का मौसम है तो भुट्टे तो सभी के इधर आना शुरू हो ही गए होंगे। अगर भुट्टे को सेक कर छिल कर और उनके दाने निकाल कर खाने में अगर आपको आलस आते हैं तो इस तरह से आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए, क्योंकि इसमें ना ही सेकना है और ना ही हमें दाने निकालना है, सिर्फ इस तरह से किसना ही है। और इससे बहुत ही टेस्टी और हेल्दी नाश्ता हमारा बनकर तैयार होगा। तो चलिए अब हमने जो ये भुट्टा किसा है इसमें हम किस लेते हैं थोड़ी सी लौकी, क्योंकि बाकी लौकी की मैंने सब्जी बना ली है और ये बिल्कुल ऑप्शनल है। क्योंकि लौकी मेरे यहाँ पर रखी हुई थी इसलिए मैंने ली है। अगर आपके यहाँ नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप बिना लौकी के भी ये नाश्ता बना सकते हैं। अब किसे हुए भुट्टे और लौकी में हम मिला देंगे चॉप किए हुए प्याज। अगर आप इस तरह से चॉप नहीं कर सकते हैं तो उन्हें बारीक बारीक काट लीजिए। प्याज से नाश्ते में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और ये जो मिक्सर था हमारा गेहूं के आटे वाला, उसे हम इस किसे हुए भुट्टे में डाल देंगे। और अभी हम पानी नहीं डालेंगे, अभी हम इन्हें पहले से अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, क्योंकि अभी हम देख लेते हैं कि हमें कितनी पानी की ज़रूरत है और कितनी नहीं। और धीरे धीरे करते हुए ही हम इसमें पानी डालते जाएंगे। पिछली गेहूं के आटे वाली जो हेल्दी रेसिपी आपने देखी है, इसके कमेंट्स पढ़कर मैं समझ ही गई हूँ कि वो आपको बहुत अच्छी लगी है, इसलिए मैंने आपके साथ ये वाली रेसिपी शेयर की है। और अब हम इसमें पानी डालते जाएंगे और इसका हमें एक घोल बनाना है, लेकिन एकदम पतला नहीं, जैसा कि डोसा बनता है इतना पतला भी हमें नहीं बनाना है। तो मीडियम हम इसका घोल तैयार करेंगे, बेसन के जो हम चीले बनाते हैं उस तरह से। अब इसको और फ्लेवर बढ़ाने के लिए हम इसमें टोमेटो सॉस डाल देंगे, क्योंकि टमाटर बहुत महंगे हैं इसलिए हमने टमाटर नहीं डाले हैं। अगर आपके पास टमाटर है तो बारीक काट कर डाल दें, गाजर हो तो गाजर डाल दें, मटर हो तो मटर डाल दें। और मैंने इसमें एक चम्मच नींबू का रस डाला है, आप चाहे तो अमचूर पाउडर डाल सकते हैं। अगर सॉस या नींबू का रस भी नहीं है आपके पास तो दही हो तो आप दही डाल दें। इसे और बाइंडिंग बनाने के लिए आपको कोई बेसन की ज़रूरत नहीं है और ना ही कोई मैदा या सूजी डालने की ज़रूरत है, सिर्फ सिर्फ गेहूं के आटे से ही मैंने ये नाश्ता बनाया है। तो आप देख लीजिए इस तरह की इसकी कंसिस्टेंसी होना चाहिए। अब मैंने यहाँ पर गर्म होने के लिए तवा रख दिया है और ये नॉन स्टिक तवा है। अगर आपके पास नॉर्मल रोटी वाला तवा है तो आप उस पर ऑयल अच्छा लगा लें और ऑयल को इस तरह से फैला देंगे। अब एक बड़ी चम्मच भर के हम इसमें ये घोल डाल देंगे और इसे धीरे धीरे फैलाते जाएंगे। अगर नॉर्मल तवा है तो पहला चीला चिपक जाता है। अधिकतर ये वाली प्रॉब्लम सभी के साथ होती है कि पहला चीला ही जो है वो चिपकता है, बाकी सारे सही बनते हैं। तो इसमें आपको टेंशन की ज़रूरत नहीं है, पहला बिगड़ भी जाए तो दूसरा आपका बहुत ही अच्छा बनेगा। और अब इसे पलट देते हैं, वही धीरे धीरे आहिस्ता से पलटाना है, एकदम डालते से ही नहीं, नहीं तो टूटने का डर भी होता है। और पलटने के बाद एक चम्मच ऑयल हम इसमें डाल देंगे। सिर्फ छोटी चम्मच लेना है और एक चम्मच मैंने पहले डाला था और एक चम्मच अब, तो सिर्फ दो चम्मच ही हमें ऑयल चाहिए। यानी कि देखा आपने, बहुत ही कम ऑयल से हमारा नाश्ता बनकर तैयार हुआ है। अगर आपने इसे तवे पर मोटा फैलाया है तो इसकी सिकाई मीडियम फ्लेम पर अच्छे से कर लें। और ये देखिए एकदम सॉफ्ट है, यानी कि छोटे बच्चे इसे भी बहुत आसानी से खा सकते हैं जिसके दांत नहीं है। बस आपको बनाते समय ध्यान रखना है कि गैस की फ्लेम एकदम हाई ना हो, नहीं तो डालते से चिपक सकता है। और आप इसे जब पलटें तो बहुत ही ध्यान से पलटें और डालते से ही ना पलटें, नहीं तो ये टूट भी सकता है। इसकी सिकाई अच्छे से हो जाए उसके बाद ही पलटें। और अगर नॉन स्टिक तवा नहीं है तो आप ऑयल ज़्यादा लगा लें,
तो इस तरह से मैंने आपको गेहूं के आटे के दो चीले बनाकर बता दिए हैं। तो बेसन के बने हुए चीले तो आपने कई बार खाए होंगे, लेकिन इस तरह से गेहूं के आटे के चीले भी आप एक बार बनाकर देखिए, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। लेकिन भुट्टे ज़रूर डाल दीजिए, क्योंकि भुट्टे का सीज़न भी है। भुट्टे से इस नाश्ते का स्वाद कई गुना बढ़ जाएगा और सॉफ्ट तो आप देखिए बहुत ही ज़्यादा है। अब अगर आप चाहे तो हरी मिर्ची धनिया की चटनी बना ले, या फिर इस तरह सॉस से खाइए। और अगर आप टिफ़िन में रख रहे हैं तो ऊपर से इस तरह से जीरावन भुरभुरा दीजिए। अगर सॉस नहीं है तो जीरावन से भी काम चल जाएगा। और इस तरह से इसको कट कर लीजिए और फिर रख दीजिए अपने बच्चों के टिफ़िन में, क्योंकि मैंने अपने तीनों बच्चों के टिफ़िन में यही रखे और वो घर भी खा कर गए थे और आकर भी खाए, उन्हें बहुत ही अच्छे लगे। अब आप भी ट्राई कीजिए और अगर रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, और अगर आगे भी रेसिपी देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और फ्रेंड्स, मैंने अपना एक और नया चैनल चालू किया है, सीमा भाटी ब्लॉग, और लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। प्लीज़ आप चैनल पर जाए और सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की पूरी रेसिपी देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। जल्दी मिलते हैं अपनी अगली एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।